बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया। तहरीक का आगाज़ 22 फरवरी बरोज़ बुध से होगा। रहनुमा पीटीआई इम्तियाज़ शेख ने एक बयान में कहा है कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ 22 फरवरी दोपहर 2 बजे चेरिंग क्रॉस से होगा, जिसमें उमर सरफराज चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल गिरफ्तारी देंगे। इम्तियाज़ शेख ने कहा कि डॉक्टर मुराद रास, मोहम्मद खान मदनी और फवाद रसूल बल्लर के हमरा 200 कारकुनान भी गिरफ्तारी देंगे। दूसरी जानेब पीटीआई की जेल भरो तहरीक के मामले पर पंजाब हुकूमत ने माल रोड और लिबर्टी चौक में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। हुकूमत की जानिब से लाहौर के 2 बड़े इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाद 7 दिन तक रहेगा। पाबंदी माल रोड मियां मेरल से सिविल सेक्रेटरी तक लगाई गई है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था, जिसके नतीजे में हुकूमत ने दफ़ा 144 लगा दी है। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए हमारे चैनल अक्सा न्यूज़ को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।